हेलो लर्नर्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित जोशी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे BA ECN 120 पाठ्यक्रम की। ये हमारा BA का फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है जिसका नाम है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। आज हम इसकी पहली इकाई की बात करेंगे। तो इसकी पहली इकाई का नाम है उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सबसे पहले हम उत्तराखंड का सामान्य परिचय जानेंगे, इसके बाद हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुख्य विशेषताओं को जानेंगे, जैसे आर्थिक प्रगति संबंधी विशेषताएं, कृषि संबंधी विशेषताएं, उद्योगों संबंधी विशेषताएं, अधोसंरचना संबंधी विशेषताएं, जनांकीय विशेषताएं, पर्यटन संबंधी विशेषताएं और प्राकृतिक संसाधनों संबंधी विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड एक सामान्य परिचय की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 27वां राज्य व 10वां हिमालय राज्य है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर दिशा में इसकी सीमाएं चीन से लगती हैं और पूर्व में नेपाल के साथ लगती हैं। बात करें अंतर्राज्यीय सीमाओं की तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमाएँ उत्तराखंड के साथ लगती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखंड दो मंडलों में विभाजित है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले आते हैं जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। कुमाऊं मंडल की बात करें तो इसमें 6 जिले आते हैं जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है। बात करें प्रशासनिक इकाइयों की तो वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल तहसीलों की संख्या 110 है, विकासखंड 95, न्याय पंचायत 662, ग्राम पंचायतें 7796, नगर निगमों की संख्या 9, नगर पालिकाएँ 42, नगर पंचायत 52 तथा कैंटोनमेंट बोर्ड ये 9 हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की। इसमें सबसे पहले हम आर्थिक प्रगति संबंधी विशेषताओं को जानेंगे। उत्तराखंड की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, ये वर्ष 2020-21 में -5.38% रही थी, क्योंकि इस दौरान पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई थी जिस कारण उद्योग और पर्यटन जो क्षेत्र हैं इसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थे जिसके कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था ऋणात्मक रही। बात करें प्रति व्यक्ति आय की तो वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,96,282 है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने GDP में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को दर्शाया है। वर्ष 2011-12 में तो सबसे ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र देता है 52%, इसके बाद तृतीय क्षेत्र 34% और प्राथमिक क्षेत्र। बात करें वर्ष 2020-21 और 22 की तो आप देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46%, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 41.43% रहा है। इस डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा कि उत्तराखंड में द्वितीय जो क्षेत्र है ये GDP में सर्वाधिक योगदान देता है, द्वितीय स्थान पर तृतीय क्षेत्र देता है और प्राथमिक सबसे कम देता है। बात करते हैं कृषि संबंधी विशेषताओं की तो वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड का कुल प्रतिविधित क्षेत्रफल 60,01,553 हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 6,20,629 हेक्टेयर है। तुलना करें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल की, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 11.5% है। कृषि जनसंख्या 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड में जोतों की संख्या की बात करते हैं तो उत्तराखंड में सीमांत जोतें सर्वाधिक हैं जिनकी संख्या 6.59 लाख है और इनके अंतर्गत क्षेत्र 2.84 लाख आता है। लघु जोत जिनका आकार 1 से 2 हेक्टेयर का होता है इनकी संख्या 1.49 लाख है और इनके अंतर्गत क्षेत्रफल 2.06 लाख हेक्टेयर आता है। अर्ध मध्यम व मध्यम जोतों की संख्या 73,000 है जिनके अंतर्गत 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। बड़ी जोत जिनका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है इनकी संख्या 888 है जिनके अंतर्गत
30,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। बात करें संख्या व क्षेत्रफल के आधार पर तो प्रदेश में सीमांत जोतों की संख्या सर्वाधिक है और बड़ी जोतें ये सबसे कम देखने को मिलती हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे वर्ष 2021-22 में प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता व उनका बुआई क्षेत्रफल दिखेगा। अगर हम देखें तो हमने चार फसलों को मुख्य रूप से लिया है, अनाज, तिलहन, दालें व अन्य फसलें। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अनाज सर्वाधिक उगाया जाता है, इसके बाद गन्ना, फिर दालें और अंत में तिलहन आता है। अनाजों में भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गेहूं में बोया जाता है, फिर चावल में, फिर मडवे में और अंत में सावे में, चौथे स्थान पे सावे में। तिलहन में लाई और सरसों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाता है, इसके बाद सोयाबीन और फिर तिल। दालों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़द के अंतर्गत बोया जाता है, इसके बाद गहत या कुलथी, इसके बाद मसूर और चौथे स्थान पे भट या काला सोयाबीन। अगर हम बात करें उत्पादकता की दृष्टि से तो अनाज में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की है, उसके बाद चावल की है, फिर मक्का और चौथे स्थान पे सावे की उत्पादकता आती है। तिलहन की बात करें तो तिलहन में मूंगफली की उत्पादकता सर्वाधिक है, दालों में उड़द की उत्पादकता सर्वाधिक है। अब हम बात करेंगे उद्योगों संबंधी विशेषताओं की। उत्तराखंड में वर्ष 2002 में औद्योगिक संरचना की गति के लिए उत्तराखंड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम, जिसे हम सिडकुल कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। वर्ष 2022 तक उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की औद्योगिक इकाइयाँ 77,997 हैं। वृहद इकाइयों की बात करें तो इनकी संख्या 329 है। वर्ष 2020-21-22 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर 12.18% रही। वर्ष 2018-19 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 3,002 है, जिनमें कुल कार्यरत श्रमिक 3,33,496 हैं। खादी उद्योगों व ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या प्रदेश में 644 थी, जिनके अंतर्गत 3,662 कार्यरत श्रमिक थे। लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 73,961 थी, जिनके अंतर्गत कुल कार्यरत श्रमिक 3,82,431 थे। प्रदेश में 7 एकीकृत औद्योगिक आस्थान भी हैं, जो हरिद्वार, पंतनगर, कोटद्वार, देहरादून, सेलाकुई, काशीपुर और सितारगंज में स्थापित हैं। अब हम बात करेंगे अधोसंरचना संबंधी विशेषताओं की। अधोसंरचनाओं दो प्रकार की होती हैं, पहली सामाजिक अधोसंरचना, दूसरी होती है आर्थिक अधोसंरचना। सामाजिक अधोसंरचना में हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जबकि आर्थिक अधोसंरचना में हम यातायात, वित्त और ऊर्जा की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचनाओं की। ध्यान रहे कि ये वर्ष 2020-21 के आंकड़े हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की। इसके अंतर्गत स्कूल व कॉलेजों की संख्या 22,511 है। बात करें उच्च शिक्षा की संरचनाओं की तो स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या 140 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक हैं, जो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 10 है, निजी विश्वविद्यालय 11, डीम्ड विश्वविद्यालय 3, IIT 1, IIM 1। बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI प्रदेश में इनकी संख्या 86 है। प्राविधिक शिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक इनकी संख्या 71 है और शिक्षा प्रशिक्षण के जिला संस्थान इनकी संख्या प्रदेश में 13 है। बात करें कुछ विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं की तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय वानिकी संस्थान FRI स्थित है। नैनीताल में आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान ARIES, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, उधम सिंह नगर में GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाएँ प्रदेश में स्थापित हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में अधोसंरचनाओं की तो प्रदेश में
कुल 13 जिला अस्पताल हैं। उप जिला चिकित्सालयों की संख्या 21 है। जिला महिला चिकित्सालय 7 हैं। बेस अस्पतालों की संख्या 3 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 577 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80 हैं। आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल 549 हैं। होम्योपैथिक अस्पताल व औषधालय की संख्या होम्योपैथिक अस्पताल व औषधालय की संख्या 111 है। महिला व बाल कल्याण केंद्र 2 हैं, जिनके अंतर्गत उपकेंद्रों की संख्या 1896 है। राज्य में आपातकालीन सेवा 108 भी उपलब्ध है। ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई है। हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं आर्थिक अधोसंरचनाओं की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यातायात के क्षेत्र में अधोसंरचना की। तो प्रदेश में मुख्य रूप से सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रमुख हैं। सड़क यातायात में वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2068 किलोमीटर है। राज्य मार्गों की लंबाई 5833.45 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें 3794.48 किलोमीटर लंबी हैं। अन्य जिला सड़कें 2507 किलोमीटर लंबी हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2,58,55,026 किलोमीटर है। तो अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो राज्य में ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग इनकी लंबाई सबसे कम है। बात करें रेल यातायात की, तो यह प्रदेश में मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों तक सीमित है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचनाएं विषम हैं और अभी इन सेवाओं का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। बात करते हैं कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों की, तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर आदि राज्य के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। वायु यातायात में जौलीग्रांट व पंतनगर प्रदेश के मुख्य एयरपोर्ट हैं और यहाँ निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के सहयोग से नियमित सेवा का परिचालन किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे संचार के क्षेत्र में अधोसंरचनाओं की। उत्तराखंड में BSNL व अन्य निजी संस्थान जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन आदि के टेलीफोन, मोबाइल व इंटरनेट सेवा के नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। भारत सरकार का डाक विभाग व अन्य निजी कुरियर कंपनियां भी डाक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बात करते हैं वर्ष 2020-21 में, तो कुल डाकघरों की संख्या 2722 है। टेलीफोन एक्सचेंज 343 हैं। PCO 360 हैं। BSNL द्वारा टेलीफोन कनेक्शन, जिसमें WLL को शामिल किया गया है, वो 33,340 हैं। BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोन कनेक्शन 15,72,784 हैं। बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में अधोसंरचनाओं की। तो प्रदेश में जल का व्यापक भंडार होने के कारण यहाँ जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन व वितरण के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन UPCL काम करती है। बात करें विद्युत उत्पादन की, तो वर्ष 2020-21 में कुल क्षमता 1,322.6 मेगावाट थी, जिसके द्वारा 5,157.27 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। प्रदेश का कुल विद्युत उपयोग 11,432.59 मिलियन यूनिट वॉट है। अगर हम देखें तो विद्युत उपयोग काफ़ी ज़्यादा है विद्युत उत्पादन के मुकाबले में। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा की स्थापना की गई। यह एजेंसी सौर एवं पवन ऊर्जा के साथ साथ लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा घराट को पुनर्विकास का काम करती है। बात करें प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की, तो टिहरी बांध परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, रामगंगा परियोजना, व्यासी परियोजना, छिबरो परियोजना, चीला परियोजना और टनकपुर परियोजना आदि प्रदेश की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में अधोसंरचनाओं की। तो प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल 1,388 शाखाएँ हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 287 शाखाएँ हैं। अन्य निजी बैंकों की 400 शाखाएँ हैं।
11 जिला सहकारी बैंक व इनकी शाखाएं 287 हैं, 698 प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं। अब हम बात करेंगे जनांकिकीय विशेषताओं की। तो राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 में 84,89,349 थी, जो वर्ष 2011 में 1,86,292 होगी। वर्ष 2001 और 2011 में उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में उत्तराखंड 19वें स्थान पर है। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। अब हम बात करेंगे प्रभावी साक्षरता दर की। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड की प्रभावी साक्षरता दर 71.62% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 78.8% हो गई है। भारत की हम बात करें तो भारत में वर्ष 2001 में 64.83% प्रभावी साक्षरता दर थी, जो वर्ष 2011 में 74.04% हो रखी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की जो प्रभावी साक्षरता दर है वो भारत के मुकाबले अधिक है। बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। यहाँ पर भी एक ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत की तुलना में अधिक है। अब हम बात करेंगे पर्यटन संबंधी विशेषताओं की। उत्तराखंड में पर्यटन मुख्यतः 4 प्रकार का है: अवकाश पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, प्रकृति व वन्य जीव आधारित पर्यटन। अवकाश पर्यटन में मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, रानीखेत, पिथौरागढ़, हरसिल आदि क्षेत्र हैं, यहाँ पे लोग अपने अवकाश मनाने आते हैं। बात करें धार्मिक पर्यटन की, तो प्रदेश में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, पिरान कलियर आदि कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो जागेश्वर, आदि कैलाश, कैंची धाम, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ, तुंगनाथ, त्रिजुगी नारायण जैसे अनेक पर्वतीय धार्मिक स्थल हैं। साहसिक पर्यटन में रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग व पैराग्लाइडिंग आदि के प्रदेश में संभावनाएं हैं। बर्फ पर स्कीइंग के लिए ओली एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। प्रकृति व वन्य जीव पर आधारित पर्यटन की बात करें तो क्योंकि प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभयारण्य उपस्थित हैं, तो इस कारण वर्ष 2021-22 में कुल पर्यटक स्थल तीर्थ सहित 387 हैं, जिसमें कुल भारतीय पर्यटकों की संख्या 200.18 लाख थी और विदेशी पर्यटकों की संख्या 0.15 लाख थी। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय पार्कों व वन्य जीव विहारों में भारतीय पर्यटकों की संख्या 4,38,693 थी और विदेशी पर्यटकों की संख्या 16,884 थी। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों संबंधी विशेषताओं की। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में उत्तराखंड का 86% जो भाग है वो पर्वतीय भाग है और 14% भाग मैदानी है। प्रदेश में लगभग 63.51% भाग अभिलेखित वन क्षेत्र है। बात करेंगे प्रमुख ग्लेशियरों की, तो गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, खतलिंग, चोराबाड़ी, बंदरपूज आदि प्रदेश के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। प्रमुख नदियों में अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, यमुना, टोंस, काली, सरयू व रामगंगा आदि नदियाँ आती हैं। हम बात करेंगे प्रमुख झीलों या तालों की, तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, श्याम ताल, बेनीताल, रूपकुंड आदि कुछ प्रमुख ताल प्रदेश में उपस्थित हैं। प्रमुख खनिजों में फास्फोराइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप, स्टोन, बेराइट्स, एंडालुसाइट, रॉक फॉस्फेट, सेलगड़ी, तांबा, सिलाजीत आदि कुछ प्रमुख खनिज भी पाए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के सामान्य परिचय को जाना और उत्तराखंड की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने बात करी। आगे आने वाले सेशंस में हम इसमें गहराई के साथ
अन्य विशेषताओं को जानेंगे और इनकी डीप स्टडी करेंगे। तो धन्यवाद।